हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक नंबर 4। मन्यसे यादि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो इस अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं और कृष्ण के ऊपर छोड़ रहे हैं कि कृष्ण अगर दिखाना चाहें तो कृपा करके उनका असीम विश्वरूप को दिखाए। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा ना तो परमेश्वर कृष्ण को कोई देख सकता है, ना सुन सकता है और ना अनुभव कर सकता है, किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो भगवान का साक्षात्कार करने में समर्थ होगा। यानी अगर हम चाहे कि हम अपनी आँखों से भगवान का दर्शन कर लें तो ये संभव नहीं है जब तक भगवान कृपा नहीं करते हैं। और कृपा भगवान कब करते हैं? जब कोई भक्त सिंसियरली कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगे रहे। प्रत्येक जीव आध्यात्मिक स्फुलिंग मात्र है, अतः परमेश्वर को जान पाना या देख पाना संभव नहीं है। भक्त रूप में अर्जुन को अपनी चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है कि चिंतन करके कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे। हमारा चिंतन शक्ति इतना सीमित है, ये जैसे एक कोई कुएं में रहने वाला मेंढक होता है ना, कुएं में रहने वाला जैसे मेंढक है, वो क्या करता है, दूसरे मेंढक से बात करता है। जैसे अच्छा कोई अटलांटिक सागर होगा क्या, तो बोलेंगे हाँ होगा, तो कितना बड़ा होगा, वो अपने कितना चिंतन कर सकता है। एक मेंढक शायद इस कुआ से 10 गुना बड़ा होगा, तो दूसरा मेंढक पूछता है बस 10 गुना ही बड़ा होगा, तो फिर वो डॉक्टर फ्रॉग बोलते हैं नहीं नहीं शायद 100 गुना बड़ा होगा, बस 100 गुना बड़ा होगा, शायद 1000 गुना, बस इससे बड़ा नहीं हो सकता, उतना ही उनका लिमिट है। या कभी कभी कितना बड़ा होगा दिखाने के लिए अपना पेट इतना ज़्यादा फुला लेते हैं, ब्रास्ट होके फिर मर जाते हैं। तो ये है मनुष्य की चिंतन शक्ति। भगवान का अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान ने सृष्टि किया है और ये इतना विशाल है कि हम चिंतन के द्वारा भौतिक ब्रह्मांडों को भी नहीं समझ सकते। तो चिंतन शक्ति पर भरोसा नहीं है अर्जुन को। वो जीवात्मा होने के कारण अपनी सीमाओं को और कृष्ण की अकल्पनीय स्थिति को स्वीकार करता है। और अर्जुन भी समझ चुका था कि एक क्षुद्र जीव के लिए असीम अनंत को समझ पाना संभव नहीं है, तो इसलिए भगवान को कोई बुद्धि से समझेंगे ये संभव नहीं है। भगवान को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं, भगवान को हम भक्ति से ही समझ सकते हैं। यदि अनंत स्वयं प्रकट हो जाए तो अनंत की कृपा से ही उसकी प्रकृति को समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो अर्जुन ने वर्ड बोला ना, योगेश्वर ततो मे त्वम, योगेश्वर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि भगवान के पास अचिंत शक्ति है। योगी के पास क्या होता है, थोड़ा बहुत शक्ति होता है, सिद्धि होता है, लेकिन भगवान जो है योगेश्वर है, समस्त योगियों के भी ईश्वर है, और इसलिए भगवान के पास अचिंत शक्तियाँ हैं। यदि वे चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करते हैं श्लोक में, और कृष्ण को आदेश नहीं देता कि कृष्ण मुझे आपको दिखाना ही होगा क्योंकि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, या ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और जब तक कोई उनकी शरण नहीं जाता और भक्ति नहीं करता, कृष्ण अपने को प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः जिन्हें अपनी चिंतन शक्ति मनोधर्म का भरोसा है वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते हैं।
तो कई लोग जो है भक्ति में नए होते हैं, तो वो भगवान का जब भक्ति करते हैं तो उनको लगता है बहुत किया, ये तो बहुत ज़्यादा कर दिया हमने। 16 माला कर रहे हैं, चार नियम पालन कर रहे हैं, भोग लगा कर ही खा रहे हैं, सुबह शाम आरती कर रहे हैं, भागवतम पढ़ रहे, भागवत गीता पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा है। तो फिर वो सोचने लगते हैं कि हमें भगवान अब तक दर्शन क्यों नहीं दे रहे, अधीर होने लगते हैं। तो ये नवदीक्षित अवस्था में होता है या भक्ति की नया नया जो अवस्था है उसमें होता है। लेकिन भक्ति में जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, मेच्योर्ड पीपल, तो वो हमेशा भक्ति में लगे रहने में आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं और उनको मालूम है कि भगवान कृपा कर रहे हैं। कई बार लोग भक्ति में, खासकर ऐसा भक्ति में भी अहंकार आ सकता है कि इतना बड़ा मैं भक्त बन गया, अब तो मैं पूरा दिन हरि भजन ही करता रहता हूँ, लाइक डैट। लेकिन एक्चुअली ये हम नहीं करते हैं, ये हमारे जो चैत्य गुरु है, चैत्य गुरु मतलब परमात्मा, जो हमारे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, जब वो कृपा करते हैं तभी हम हरिनाम जप कर पाते हैं, चार नियम पालन कर पाते हैं, 16 माला जप कर पाते हैं, भक्तों के साथ संग कर पाते हैं। तो भजन चल रहा है, मतलब ये कृष्ण का रेसिप्रोकेशन है, प्रेम का आदान प्रदान है, कृष्ण की कृपा है। तो हमें बल देना है, प्रयास करना है। ऐसा नहीं कि भगवान कृपा करेंगे तो हम भक्ति करेंगे, या भगवान बुलाएंगे तो हम वृंदावन जाएंगे, या भगवान बुलाएंगे तो हम जगन्नाथपुरी जाएंगे। बुलावा नहीं आया, ऐसा नहीं। हमने क्या प्रयास किया, क्या हमने इच्छा किया, क्या हमने टिकट कटवाया, क्या हमने प्लानिंग बनाया? प्लानिंग बनाने के बाद भी नहीं होता, वो बात अलग है, लेकिन हमने कितना प्लानिंग किया, क्या हमने साल में कम से कम 3 दिन मथुरा वृंदावन ब्रज में रहने का प्रण लिया है? तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, तो ये तो एक बहाना है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इच्छा करना चाहिए। अगर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है, ऐसे माताओं को होता है कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, कई माताओं को नहीं जा सकते और घर वाले भी भक्त नहीं है, फिर भी वो डिज़ायर रखे, इच्छा रखे कि एक दिन ज़रूर कृष्णा मुझे बुलाएंगे, और प्रयास करते रहे, प्यार से, प्रेम से प्रयास करते रहने से। बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल है, भक्त लोग अपना शेयरिंग करते हैं कि बाद में वो लोग जो है भगवान के धाम दर्शन कर पाए या भक्ति बहुत सुगमता से कर पा रहे हैं इत्यादि। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने यहाँ प्रयास किया कि कृष्णा अगर आप चाहे तो कृपया विश्वरूप का दर्शन कराइए। 5वां श्लोक भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शताशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान तुरंत देख, हम देखते हैं कि भगवान राजी हो गए और भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अब तुम जो है मेरा ये विविध रंगों से, विविध ऐश्वर्य से परिपूर्ण ये जो मेरा विश्वरूप है, इसका दर्शन करो। अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है, कि दृश्य जगत में भी कोई जैसे भगवान को देखना चाहते हैं तो उनके लिए जो है वो भगवान कहाँ कहाँ पे भगवान का पाँव है, कहाँ सर है, ताकि उनको देखे और भगवान से वो रिलेट कर पाए अपने आप को। तो भगवान इतने दयालु है, खासकर उन लोगों के लिए जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं क्योंकि उनको अपने आँखों से नहीं दिखते भगवान। तो ऐसे लोगों के लिए भी भगवान ने विश्वरूप अपना प्रकट करते हैं शास्त्रों में, ताकि उनको पता चले कि ये जो क्रिएशन है, ये जो सृष्टि है भौतिक, ये पूरा भगवान का शरीर है, विश्वरूप का शरीर है। और जब हम किसी के शरीर है ऐसे समझते हैं तो दूसरे के शरीर को हानि नहीं पहुंचाते हैं, तो फिर हम एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग फिर भगवान की भक्ति से भी जुड़ जाते हैं धीरे धीरे, तो इसलिए विश्वरूप इनके लिए है। तो फलतः वो प्रकृति के अस्थाई काल द्वारा प्रभावित होते हैं, मतलब जब विश्वरूप का मतलब है ये भौतिक ब्रह्मांड, और जब प्रलय होता है तो अप्रकट हो जाता है, और जब सृष्टि होता है फिर प्रकट होता है।
जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्वरूपी भी प्रकट और विश्वरूप भी प्रकट और अप्रकट होता रहता है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद भगवान ने माया बनाया ही क्यों? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा भगवान ने नहीं, आपने माया क्यों बनाया? तो उनको समझ नहीं आया जैसे कि माया मैंने कैसे बनाया। तो फिर उनको समझ में आ गया कि एक्चुअली हमने कैसे माया बनाया, क्योंकि हम माया के, हम तटस्थ शक्ति है, तट में स्थित है, हम माया की ओर भी जा सकते हैं या अंतरंगा शक्ति भगवान की भक्ति की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम माया को चूज करते हैं फिर हम माया में रहते हैं, भक्ति को चूज करते हैं फिर भगवान के संरक्षण में रहते हैं। तो ये कृष्ण के अन्य रूपों की भांति विश्वरूप जो है वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है वो विश्वरूप को देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण के इस रूप को देखना चाहते थे अन्यों के भलाई के लिए, जो भौतिक संसार में भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं ताकि उनको अपने ही आंखों से भगवान का विश्वरूप का दर्शन हो, भगवान के साथ लिंक कर पाए, तो इसलिए ये रूप कृष्ण से ही विश्वरूप है ये भी प्रतिस्थापित करने के लिए अर्जुन देखना चाहते थे। तो इसलिए कृष्ण उनके सामने इस रूप का प्राकट्य करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को ऐसे नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसका दर्शन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि किस प्रकार भगवान के कौन से विश्व के कौन से जो है पार्ट्स को, भगवान के कौन से शरीर के पार्ट्स बताया गया है विश्व रूप में। श्लोक नंबर 6। पश्यादित्वान् वसुन् रुद्रान् अश्विनो मारुतस्तथा बहुन्यादृष्टपूर्वाणि पश्याच्चर्याणि भारत। हे भारत, अर्जुन को भारत कहा गया है क्योंकि अर्जुन जो है एक महान वंश से है, जिस वंश में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत जो है जन्म लिया था, जिन्होंने बचपन में ही इतना बलशाली था कि सिंह के साथ खेलते खेलते सिंह के मुंह में भी हाथ डाल देते और उनका दांत गिनते, तो ऐसे हैं। और एक्चुअली भारतवर्ष का नाम एक तो बहुत सारा, तीन भरत है। एक तो है भरत, राम जी का भाई भरत है। दूसरा है ऋषभ के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज, जो बाद में भरत मुनि बन जाते हैं। और एक है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। तो इसलिए बोलते हैं कि अर्जुन को, हे भारत, लो तुम आदित्यो वसुओ रुद्रो अश्विनी कुमारो तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो भगवान के अंदर ही सब कुछ है, समस्त देवताएं भी भगवान से उत्पत्ति हुआ है। तो अर्जुन को देवताओं का दर्शन करा रहे हैं अपने ही विश्व रूप में। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना देखा है ना सुना है। यद्यपि अर्जुन का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, अर्जुन जो है कृष्ण का अंतरंग सखा थे और बहुत विद्वान थे अर्जुन, तो भी वो उनके विषय में सब कुछ तो नहीं जानता था, क्योंकि भगवान के बारे में सब कुछ जानना संभव नहीं है। भगवान के गुण असीम है, भगवान के रूप भी असीम है, सब कुछ असीमित है, ऐश्वर्य असीमित है, तो मुश्किल है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को ना तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है और ना सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। श्लोक नंबर 7। इहे कस्थम जगत कृत्स्नम पश्याद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेशा यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि आप भविष्य भी देख सकते हो इस विश्वरूप में, वर्तमान भी देख सकते हो। तो इस प्रकार से कृष्ण ने कहा कि आप देखो जो देखना चाहते हो। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व तो नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता है कि जगत में वस्तुएं कहाँ कहाँ स्थित है, क्योंकि कृष्ण ने उनको दिव्य चक्षु प्रदान किया है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं और जिससे वो अतीत भी देख सकते हैं, वर्तमान भी और भविष्य भी, जो कुछ भी देखना चाहे वो देख सकते हैं। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है।
श्लोक नंबर 8। ना तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेना एव च चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। अनुवाद: किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो कृष्ण अर्जुन को दिव्य आंखें प्रदान करते हैं। तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण को उनके दो भुजा यानी दो हाथों वाले रूप के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। आप देखिए, जब रास के मध्य कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए थे तो गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी, तो तभी भगवान विष्णु रूप में चार हाथ के रूप में गोपियों के सामने आए, पर गोपियों को रूप नहीं चाहिए था, तो गोपियों ने उनको पहचाना नहीं। उनको कृष्ण का दो भुज रूप ही चाहिए। कृष्ण के शुद्धतम भक्त जो है उनके दो भुज रूप में ही दर्शन करना चाहते हैं, जो उनका ओरिजिनल रूप है। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वो अपने मन से नहीं दर्शन करे, बल्कि दृष्टि को बदले। कृष्ण का ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। जैसे हम देखते हैं व्यासदेव, जो व्यासदेव का शिष्य है संजय, तो संजय धृतराष्ट्र के वहाँ सेवक हैं, तो धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का ब्योरा वो बैठे बैठे कैसे दे सकते थे, क्योंकि उनको भी दिव्य चक्षु प्राप्त हुआ था। हालांकि व्यासदेव तो धृतराष्ट्र को ही चक्षु दे सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने ही मना किया, क्योंकि इतने जन्म से अंधे हैं, उनको युद्ध में ये भी नहीं पता चलेगा कि कौन किसके पक्ष में है, उनके पुत्र दुर्योधन कैसे दिखते हैं या पांडव कैसे दिखते हैं। तो फिर उनके जो सेवक है संजय, जो एक महान भक्त भी है, तो उन्होंने उनको दिव्य चक्षु मिला था, जिससे वो ये भी देख रहे कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता कह रहे हैं अर्जुन को, और फिर वो बात भी वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, तब भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य के ईश्वरविहीन प्रदर्शनों से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूप से आकृष्ट होते हैं। तो ऐश्वर्य आदि के पीछे भक्त नहीं जाते, भगवान के माधुर्य भाव में जाते हैं, प्रेम भाव में। और ऐसे भी अगर हम ये समझ सकते हैं भगवद गीता से कि भगवान सर्व कारण कारणम है, सभी कारणों का कारण है, और हम सब भगवान की इच्छा के अधीन हैं। भगवान के अगर हमें अपनी इच्छा पूर्ण भी करना है तो हमें भगवान की इच्छाओं पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, यानी भगवान की हमें पूजा करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी। तो इस प्रकार जो है भक्त जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है, और ये जानकर वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में निमग्न रहते हैं। कृष्ण के जो बाल संगीत है, जैसे कि गोपबाला, कृष्ण के सखा, कृष्ण के माता पिता, यह कभी नहीं चाहते थे कि कृष्ण उनके सामने उनके ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए। कई बार कृष्ण ने किया भी, जैसे एक बार क्या हुआ, मिट्टी खा रहे थे तो यशोदा मैया ने पकड़ लिया और मुंह खोलने के लिए बोला, तो कृष्ण ने मुंह खोला तो पूरा सारा ब्रह्मांड माँ को अंदर दिखा रहे, ये भगवान का ऐश्वर्य है। जैसे अर्जुन को अभी दिखा रहे हैं, तो यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिख रहे थे अंदर, बहुत सारे ब्रह्मांड। तो यशोदा मैया बहुत डर गई कि कुछ भूत प्रेत तो नहीं है वो कर लिया, मेरे बच्चे को कुछ हो तो नहीं गया, लाइक दैट। वो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को वो नहीं देखना चाहते एक्चुअली, जो शुद्ध भक्त है जैसे कि यशोदा मैया जैसे, तो वो भगवान को अपने वात्सल्य भाव में ही प्रेम करती है। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कृष्ण परमेश्वर है, वो कृष्ण को अपना ही परिवार के सदस्य मानते हैं। जैसे आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन वासी कृष्ण को लल्ला को खिला दे पहले, जैसे घर के छोटे बच्चों को खिला देते पहले, तो ऐसे कृष्ण का ऐसे बिगड़ा है घर में, तो बोलेंगे पहले लल्ला को खिला दे,
बहू बहू को बोलेंगे पहले लल्ला को खिला दें फिर हम खा लेंगे। जैसे जनरली क्या होता है कि गृहस्थ क्या करते हैं कि घर के बच्चे और बूढ़े को पहले खिला देते हैं और उसके बाद गृहस्थ खाते हैं जैसे ऐसा। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटे किसको मानते हैं? लल्ला, तो या लाली, राधा रानी लाली, ऐसे प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे ही अवसर प्राप्त नहीं हो सकता है, अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त होता है। ऐसे बालक ये नहीं जानते कि कृष्ण भगवान हैं, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं, इसलिए उनके कंधे पे भी चढ़ जाते हैं, खेलते भी हैं और लड़ भी लेते हैं ऐसे आपस में। कृष्ण से तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण को छूने के लिए, जैसे कि वो लोग ऐसे खेल खेलते हैं, अच्छा ठीक है चलो दौड़ लगाओ, सबसे पहले कौन कृष्ण को छू सकते हैं, तो उसके लिए भी तो कृष्ण से प्रेम का जो है कंपटीशन चलता है उन लोगों में। कोई कृष्ण कृष्ण जब कृष्ण तो थकते नहीं हैं, फिर भी जब लंच हो जाएगा उनका तो कृष्ण को सुला देंगे, कोई अपनी गोदी में सुला देंगे, कोई पाँव दबाएंगे, फिर कृष्ण जब उठेंगे उनका अलंकार आदि फिर से पहनाएंगे। तो यशोदा मैं देखते हैं कि मैं तो सुबह अलग तरीके से पहना, भी ऐसे अलग अलग कैसे हो गया, क्योंकि तो वो कृष्ण को श्रृंगार करते हैं फिर से। तो इस तरह से परम मित्र मानते हैं कृष्ण को। अतः शुकदेव गोस्वामी यह श्लोक सुनाते हैं। इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानं परदेवतेन मायाश्रितानं नरदारकेण साकं विजहु कृतपुण्यपुञ्जः। यह वो परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में 12वां अध्याय में ये श्लोक है 11वां। तो 11वां श्लोक में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये भगवान स्वयं कृष्ण वही परम पुरुष है जिनके जिनको कुछ लोग तो निराकार मानते हैं, क्योंकि उनके शरीर से निकला हुआ ज्योति ब्रह्म ज्योति में वो लोग विलीन होना चाहते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं जो सामान्य जन है या अल्पज्ञानी मूर्ख है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा हमारी तरह ही शायद माया के अधीन है। देखिए निराकारवादी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मायावादी एक ब्रह्मवादी। जो मायावादी होते हैं वो सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारी तरह ही जो है 24 तत्व जो है उससे बना हुआ है, हमारी तरह माया के अधीन है, ऐसे सोचते हैं। और ब्रह्मवादी जो है वो भगवान को भौतिक नहीं समझते मायावादी की तरह, आध्यात्मिक ही समझते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि भगवान पहले जो है निराकार था, निराकार से अभी ये साकार रूप गया, ऐसा समझते हैं। तो ब्रह्मवादी का इसलिए ये वो होता है कि वो भक्त बन जाए, जैसे कि ब्रह्मवादी बहुत फेमस ब्रह्मवादी है, चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य, ये लोग भक्त बन गए। लेकिन जैसे मायावादी है वो लोग निश्चित रूप से नरक जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति भयंकर अपराध करते हैं, भगवान को माया के अधीन मानकर, जबकि माया कृष्ण के अधीन है। और जो ब्रह्मवादी है वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। तो इसलिए अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरह से भगवान के पूजा करते हैं, मानते हैं, लेकिन ये बालक जो है उसी परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं जो गोप बालक है। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे कि भविष्य में लोग यह समझ सके कि कृष्ण ना केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। तो ये लोगों को समझाने के लिए कि विश्व रूप जो है वो भी कृष्ण से है, भगवान विष्णु जो है वो भी कृष्ण से है, तो अर्जुन इसलिए देखना चाहते थे विश्व रूप। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी कि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण ना केवल सैद्धांतिक रूप से अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। तो अर्जुन कृष्ण का साक्षात दर्शन कर पा रहे थे। और देखिए एक जो रसिक भक्त होते हैं ना, उनका अलग ही विजन होता है। जैसे सब लोग बोलते हैं ना, अरे कृष्ण ने क्यों महाभारत युद्ध कराया, इतने लोगों को क्यों मरवाया, इत्यादि इत्यादि। लेकिन आप उद्धव जो महा उद्धव है जो कृष्ण के
सखा है, भाई भी है, चचेरे भाई है, तो उद्धव महान भक्त है कृष्ण का। तो उद्धव कैसे देखते कुरुक्षेत्र रण को, जो लोग सब ऐसे देखते हैं कि इतना वो हुआ, बहुत लोग मृत्यु प्राप्त हुए, तो कैसे देखते हैं उद्धव कि भगवान कितने दयालु हैं कि कुरुक्षेत्र में इतने सारे वीरों को एकत्रित किया और सबको अपना दर्शन दिया, सुंदर मुख कमल का दर्शन दिया। भले ही वो अर्जुन के विरुद्ध थे ना सब लोग, तो कृष्ण का जैसे ही दर्शन किया उनके हृदय से सारा कलमश दूर हो गया, कृष्ण की सुंदरता को वो बखान करने लगे, और कृष्ण का दर्शन होने के कारण उनके हृदय में कुछ भी अब गंदगी नहीं रहा। और जो भी फिर अर्जुन का तीर से जब उनका हृदय भेद गया तो तुरंत ही वैकुंठ जगत में प्रवेश किया। तो आप देखिए ऐसे हजारों लाखों लोगों को भगवान एक ही झटके में अपने लोक ले गए, कितना बड़ा सौभाग्य है। तो इस प्रकार से एक रसिक भक्त देख पाते हैं कृष्ण की कृपा को, जो कि एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमारा नेगेटिव माइंड है। जब नेगेटिव माइंड कृष्ण चेतना से परिपूरित हो जाएगा तो हम एक्चुअली शास्त्र चक्षु से, दिव्य चक्षु से देख सकते हैं भगवान की कृपा को। तो भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक नहीं था, लेकिन फिर भी भविष्य के लोगों के भलाई के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अब संजय कहते हैं, संजय वाचा, श्लोक नंबर 9, एवा मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। 10 नंबर और 11 नंबर श्लोक से हम देखेंगे विश्वरूप कैसा देखा अर्जुन। अर्जुन ने तो अपनी स्वयं आंखों से देखा, और संजय ने भी देखा, क्योंकि संजय को भगवान की कृपा प्राप्त थी। व्यासदेव भी भगवान के ही अवतार है, उन्होंने उनको दिव्य चक्षु दिया था। तो अभी हम लोग किससे देखेंगे, कान से देखेंगे। 10वां और 11वां श्लोक, अनेका वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेका दिव्याभरणम दिव्यनेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्यांबरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाक्षर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। तो इन दोनों श्लोकों में अनेक शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है, तो ये सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसमें अनेक अनेक हाथ, अनेक अनेक मुख हो, अनेक अनेक पांव की कोई सीमा नहीं थी, असीम था। ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, और किंतु भगवत कृपा से अर्जुन एक ही स्थान में बैठकर देख पा रहे थे। ये सब जो है कृष्ण की अचिंत शक्ति के कारण ही संभव हुआ, अर्जुन के ऊपर विशेष कृपा किया, और सब कुछ आश्चर्यमय था। श्लोक नंबर 12, देवी सूर्या सहस्रस्या भविद्युगा पदुत्थिता यदि भासदृशी सास्याद् भासस्तस्या महात्मनः। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, एक सूर्य से ही कितना ताप मिलता है ना, रोशनी भी, तो हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो तो उनका प्रकाश शायद पर पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। ऐसे संजय ने बोला कि ऐसा लग रहा था हजारों हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गया। अर्जुन ने जो कुछ देखा वो अकथ्य था, मतलब वचन से उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है। ना तो संजय वहां था ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यासदेव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था।
अतः वह स्थिति की तुलना वो एक काल्पनिक घटना हजारों सूर्य से कर रहा है, जिससे हम इसे समझ सके। श्लोक नंबर 13। तत्रैकस्थं जगत् कृत्स्नं प्रविभक्ता मनेकधा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। एक ही जगह पे बैठकर हम अपने आंखों से कितना दूर तक देख सकते हैं, लेकिन कृष्ण की कृपा से वो सब ब्रह्मांड के हर एक भाग को देख पा रहे थे। तत्र शब्द यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। तत्र का मतलब है वहां। इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा उस समय अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही रथ पर ही बैठे हुए थे। युद्ध भूमि के अन्य लोग इस रूप को नहीं देख पाए क्योंकि कृष्ण ने केवल अर्जुन को दृष्टि प्रदान की थी, अन्य लोगों को नहीं। अन्य लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि कृष्ण अर्जुन कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा था वो सिर्फ संजय देख पा रहे थे व्यासदेव की कृपा से, और अर्जुन देख पा रहे थे। वो कृष्ण के शरीर में हजारों लोक देख सका, एक लोक नहीं बहुत सारे लोक देख पाए। जैसा कि वैदिक शास्त्र से पता चलता है कि ब्रह्मांड अनेक है और लोक भी अनेक है। इसमें से कुछ मिट्टी के बने हैं कुछ लोग, कुछ सोने के भी लोग बने हैं, कुछ रत्नों के, जैसे एग्जाम्पल रावण का लंका सोने का बना हुआ था, तो ऐसे लोक भी है सोने का बना हुआ, तो कुछ रत्नों के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं लोग, लेकिन कुछ बहुत बड़े नहीं है। जैसे हमारा ब्रह्मांड लोक है, ये बहुत छोटा है, इसलिए एक इसको छोटा बनियान त्रि से भौतिक संसार को अगर पीपल के पेड़ के साथ तुलना किया जाए, क्योंकि इसका जैसे 15वां अध्याय में भागवत गीता का बताया गया, इसका वृक्ष का जो जड़ है ऊपर है ब्रह्मलोक में और बाकी नीचे ऐसा, तो अगर ऐसा, क्योंकि ये भगवान के लोक का उल्टा उल्टा है ना, ये भौतिक जगत विकृत प्रतिबिंब जैसा है, तो बाकी ब्रह्मांड बहुत बड़े बड़े, हमारे ब्रह्मा जी के सिर्फ चार ही सर है। जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ब्रह्मा जी के सर होते हैं। इसका भी उल्लेख हमें मिलता है जब भगवान से हमारे ब्रह्मा जी मिलने जाते हैं, तो फिर द्वारपाल पूछते हैं कौन से ब्रह्मा जी, कृष्ण पूछ के भेजते हैं एक्चुअली, पूछो तो कौन से ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी को बड़ा अजीब लगा कि मैं ही तो एक ब्रह्मा हूँ और कौन ब्रह्मा है, मुझे ऐसे क्यों पूछा। लेकिन जब अंदर गए तो पता चला कि 100 सर वाले, 1000 सर वाले, लाखों सर वाले भी ब्रह्मा है, तो देखकर ही वो मूर्छित हो गए, 4 सर वाले ब्रह्मा, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड बहुत छोटा है। इसलिए अगर बट्टवृक्ष के साथ तुलना किया गया है भौतिक ब्रह्मांड को, तो हमारे ब्रह्मांड को एक बट्टवृक्ष के छोटा सा पौधा के साथ तुलना किया गया है, क्योंकि इतना छोटा है। तो कुछ लोग बहुत छोटा था, कुछ लोग बहुत बड़ा था, ऐसा था। अपने रथ पर बैठकर अर्जुन इन सबों को देख सकता था, किंतु कोई यह नहीं जान पाया कि अर्जुन तथा कृष्ण के बीच क्या चल रहा था। श्लोक नंबर 14। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतञ्जलिरभाषत। अनुवाद। तब हाँ, तो श्लोक नंबर 14 में बताया गया है, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृतञ्जलिरभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक को झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान का ऐसा दिव्य विश्व रूप देखकर अर्जुन जो है बहुत रोमांचित हो गए, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना ना आश्चर्यचकित होकर, फिर प्रणाम करने के लिए मस्तक को झुका के प्रार्थना करने लगे। एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण और अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी तक अर्जुन कृष्ण को अपना दोस्त मान रहे थे, लेकिन जैसे ही विश्वरूप देखा वो थोड़ा घबरा गए। अभी तक कृष्ण तथा अर्जुन में मैत्री संबंध था, किंतु दर्शन होते ही अर्जुन अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम कर रहा है और हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, वो उनके विश्वरूप की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता का न रहकर आश्चर्य का बन जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े भक्त कृष्ण को समस्त संबंधों का आगार मानते हैं,
ऑब्वियसली कृष्ण समस्त संबंध कृष्ण से ही शुरू हुआ है और हम कृष्ण के साथ ही केवल कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं, अन्य देवताओं के साथ या यहाँ तक कि भगवान विष्णु के साथ भी हम अन्य अन्य संबंध नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्ण को आप बच्चा भी मान सकते हैं, प्रेमी भी मान सकते हैं, आप कृष्ण को स्वामी भी मान सकते हैं, मालिक मानना, कृष्ण को अपना सखा मान सकते हैं, तो ऐसे किसी भी संबंध हम कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार अर्जुन का संबंध यहाँ पे आश्चर्य का हो गया। शास्त्र में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। यह कहा जाता है कि वे दो जीवों के बीच, देवताओं के बीच या भगवान या तथा भक्त के बीच के पारस्परिक आदान प्रदान होने वाले संबंधों के सागर है। यहाँ पर अर्जुन आश्चर्य संबंध से प्रेरित है, उसी में वो अत्यंत गंभीर और शांत होते हुए भी अत्यंत आह्लादित हो उठा। आह्लादित हो जाना, आनंदित भी हुआ कि कृष्णा स्वयं जो इतने महान है वो मेरे साथ है। उसके रोम खड़े हो गए रोंगटे और वो हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना करने लगा। निस्संदेह वो भयभीत नहीं था, इस समय भयभीत नहीं हुए अभी, बाद में लेकिन होंगे। वो भगवान के आश्चर्य से अभिभूत है अभी। इस समय तो उसके समक्ष आश्चर्य था और उनकी प्रेमपूर्ण मित्रता आश्चर्य से अभिभूत थी, अतः उसकी प्रतिक्रिया इस प्रकार से हुई। तो ये इस श्लोक का तात्पर्य है। अभी हम अर्जुन क्या कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे, श्लोक नंबर 15। अर्जुनावाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगं च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ, एक साथ देख रहा हूँ, जितने भी जीव हैं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी को देख पा रहा हूँ, शिव जी को देख पा रहा हूँ तथा समस्त ऋषियों को भी और दिव्य सर्पों को भी देख पा रहा हूँ। तो अर्जुन ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को यहाँ पे देखता है, अतः वो ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी जो है ब्रह्मा जी को भी देखते हैं, यहाँ तक कि उस दिव्य सर्प को भी देखते हैं जिस पर गर्भोदकषाय विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, वो भी देखता है। अनंत शेष नाग को भी देखते हैं और इस शेष शया के नाग को वासुकी भी कहते हैं। तो अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकषाय विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को भी देख पा रहे हैं, जहाँ ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं वो भी देख रहे हैं, ब्रह्मलोक को भी देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता था। ये सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। श्लोक नंबर 16। अनेक बाहु दरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतो अनंत रूपम् नान्तं न मध्यं न पुनास्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। अंत नहीं है भगवान के इस रूप का भी। तो बोलते हैं आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य, ना आदि। इसलिए ब्रह्मा जी का जब उत्पत्ति हुआ नाभि कमल से, ब्रह्मा वो लोटस जो निकला उस फूल के डंडी से नीचे आके अनंत पेट है, इतना बड़ा पेट है गर्भोदकषाय विष्णु का, उनको आदि अंत कुछ नहीं समझ में आया। फिर वो जब तपस्या करने का इंस्ट्रक्शंस मिला तपह करके, तब वो जाके तपस्या करते हैं, तब भगवान का दर्शन होता है। तो श्लोक नंबर 17। किरीटिनं गादिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वं दुर्निरीक्षं समन्ता द्वीप्तानलार्का द्युतिमा प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति है, बहुत चकाचौंध है। तो बोलते हैं आपके रूप को देख पाना
कठिन है। इसलिए इस उपनिषद में भी भक्त कहते हैं कि इस रोशनी को हटा लीजिए, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपका सुंदर मुखकमल। क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति, तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ। देख पाना कठिन है, लेकिन कृष्ण की कृपा से अर्जुन देख रहे हैं, जो अनेकों मुकुटों गदाओं और चक्रों से विभूषित है। तो अलेकर अनेकानेक शस्त्रों भी भगवान जो है हाथों में धारण किए हुए थे, अनेकानेक हाथ में जब अर्जुन देख रहे थे। श्लोक नंबर 18। त्वामक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वता धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु है, मतलब अगर कुछ जानने के परम कुछ श्रेष्ठ जानना है वेदों के द्वारा भी, भगवान कहते हैं वेदों के द्वारा भी अगर जानना है तो वो भी मैं ही हूँ। तो वो परम ज्ञेय कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, अर्जुन ये भी देख पा रहे हैं कि आधार कौन है? कृष्ण है। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, सबसे पौराणिक है। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। तो ये अर्जुन अपना मत प्रकाश करते हैं कृष्ण के बारे में। श्लोक नंबर 19। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कहते हैं आप आदि मध्य तथा अंत से रहित है, आपका यश अनंत है, आपकी अनंत असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। सूर्य और चंद्रमा कृष्ण की आंखें अविश्व रूप में। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो भगवान के शब्द ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की जो है पुनरुक्ति जो है साहित्यिक कोई दोष नहीं है। बार बार कृष्ण की महिमा की उक्ति होती रहती है, पुनरुक्ति। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आह्लाद के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब आश्चर्यचकित होते तो व्यक्ति एक बात को बार बार रिपीट करते हैं। श्लोक नंबर 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिश्वच्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। देखिए भगवान अचिंत शक्ति वाले भगवान, अचिंत तत्व है। हम चिंता से नहीं समझ सकते कि भगवान एक है और फिर भी सर्वत्र व्याप्त है। हे महापुरुष, कृष्ण को अर्जुन कह रहे हैं, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत है। इस लोक में द्याव आप पृथिव्यो यानी धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्रयम तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द है। क्योंकि ऐसा लगता है कि ना केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा भगवान की कृपा से। अर्जुन को जब दिखा रहे थे कुछ अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा। तो अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन कोई स्वप्न नहीं था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा। तो कृष्ण की कृपा से अन्य लोगों ने भी देखा, तो इस श्लोक से हमें पता चलता है। श्लोक नंबर 29। अमी ही त्वं सूर संघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघः स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवों का सारा समूह यानी देवता लोगों ने भी देखा, मतलब देवों का सारा समूह आपके शरण ले रहा है।
और आप में प्रवेश कर रहा है। हम आगे के श्लोक में देखेंगे कि देवता लोग भी प्रणाम कर रहे भगवान को इतना विशाल रूप देखकर, और असुर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि देवता लोग शरण ले रहे हैं और उसमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे देवता जो है वो तो कृष्ण के शरण ले रहे हैं, कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत भयभीत हो गए ये विशाल रूप देखकर, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह क्या बोल रहे हैं, जो अपर प्लैनेट जो है ना, स्वर्गलोक से भी ऊपर तपलोक है, चंद्रलोक है, महरलोक है, ब्रह्मलोक है, तो वहां पे जो महर्षि और सिद्धों का समूह है वो क्या कह रहे हैं, कल्याण हो, कल्याण हो, ऐसा कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो समस्त लोकों के देवता विश्वरूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। तो ये 21 श्लोक का था, सॉरी 29 नहीं, 21 श्लोक का था। तो हम 22 श्लोक का पढ़ने जा रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मारुतो चस्म पाच्चा गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा विक्षन्ते त्वं विस्मिताच्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप देखा, आदित्य गणों को देखा, 12 आदित्य, वसुओं को देखा, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। आप मतलब इस श्लोक से हमें स्पष्ट पता चलता है कि कृष्ण की कृपा से ये सब लोग भी विश्व रूप को देख पा रहे थे। यहाँ तक कि जो रहते हैं गंधर्व, यक्ष, असुर, यक्ष असुर जैसे असुर लोक है ना, पृथ्वी लोक के ऊपर जो है असुरों का लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, तो ये लोग भी देख पा रहे थे। तो यही 22 नंबर श्लोक में हम देखते हैं कि और भी अन्य अन्य लोग भगवान को देख पा रहे थे। तो आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।